के महोबा जनपद में अपर सत्र न्यायालय प्रथम द्वारा पास्को एक्ट और बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दो अन्य आरोपी महिलाओं को भी 5 वर्ष का कारागार और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। बलात्कार जैसे मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और कृत्य में शामिल दो अन्य महिलाओं को 5 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही साथ तीनों आरोपियों को अर्थदंड भी भरने के आदेश जारी किए। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। मामला ये है कि पीड़िता ग्राम बिहारी थाना चरखारी की रहने वाली है, चरखारी में पढ़ती थी। ये 16 वर्ष से कम आयु की थी पीड़िता। पीड़िता को बहला फुसला कर रीता, उसकी दोस्त थी रीता ने, और इस दोनों महिलाओं ने बहला फुसला कर उसे महोबा में अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाने के बहाने उसे हेमू राजा के साथ महोबा भेजा। यहाँ महोबा में एक होटल में रोक करके हेमू राजा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। बच्ची थी इसलिए उसने घटना के विषय में किसी को नहीं बताया भयवश। जब उसका गर्भ बढ़ने लगा तो घर वालों ने गर्भ को देख करके उससे पूछा कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब उसने सारी घटना अपने घर वालों को बताई। तो इसके बाद घर वालों ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 11/9/2017 को थाना चरखारी में की। इसमें विवेचक द्वारा विवेचना की गई व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। माननीय न्यायालय ने उपलब्ध सभी साक्षियों के बयानों का व पत्रावली में उपलब्ध सभी साक्ष्य का मूल्यांकन व प्रशीलन करते हुए अभियुक्त हेमू राजा को आजीवन कारावास व 1,02,000 रुपये से अर्थदंडित किया है व पिंकी व सुमन को 5 वर्ष का कारावास व 60,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।